ये विधेयक आप लाए हैं माननीय मंत्री महोदय, मैं कई दिन से देख रहा हूँ ये छोटे से सत्र में एक एक शब्द को चेंज करने के लिए विधेयक आए, शब्द भी ऐसे शब्द कि उसके बिना सरकार का काम नहीं चले ऐसा नहीं है। मैं किसान परिवार से आता हूँ, छोटे थे तो गांव में ग्राम साथी होते थे, आप भी किसान परिवार से हैं माननीय सभापति महोदय, और वो ग्राम साथी हमारे खेतों में हमारे साथ खेतों पे घूमता था, यहाँ ये करिए, यहाँ ये करिए, यहाँ ये करिए। परंतु आपने एक शब्द चला अधिकारी का, आप ग्राम अधिकारी बना रहे हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, परंतु हमारे यहाँ अधिकारी शब्द बदनाम हो गया है। अधिकारी शब्द बेसिकली वो शब्द वहां से पैदा हुआ जो अधिक कार्य करने वाला वो अधिकारी है, परंतु आज आजादी के 70 वर्ष बाद हम शब्द चेंज करके उसको उपाधि तो दे रहे हैं, परंतु अधिकारी शब्द ऐसा है कि अधिकारी शब्द बदनाम हो गया। माननीय मंत्री महोदय, वो ग्राम साथी जो शब्द जो प्यार था गांव में किसान और ग्राम साथी के साथ, वो प्यार नहीं होगा इससे अधिकारी से, वो अधिकारी बन जाएगा। आज गांव में एक एक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक जो है वो ग्राम आपको जिसको विकास अधिकारी कह रहे हो, उसके बाद 3-3 पंचायत हैं, क्योंकि उसके पास आज केंद्र राज्य की लगभग 100 से ऊपर योजनाओं पर वो ग्राम विकास अधिकारी काम कर रहा है, वेतन का पूरा भुगतान नहीं है। अनेक पंचायतें ऐसी है, हमारा आदिवासी क्षेत्र पूरा मेवाड़, आदिवासी क्षेत्र में रिजर्वेशन के कारण सरपंच तो जीत गया चुनाव, महिला जीती वो कुछ जानती नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा माननीय मंत्री महोदय, कई पंचायतों में ऐसी स्थिति है कि वो ग्राम सेवक उस सरपंच को तनख्वाह देता महीने के और उसके सिग्नेचर करवाता। आप क्षमा करना, मैं बहुत कड़ी बात निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये पंचायतों की हमारी स्थिति है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि केवल एक शब्द के लिए आप विधेयक लाए, बहुत अच्छी बात है, उसको अधिकारी बनाए, पर वेतन के भी ध्यान रखें। अनेक पंचायतों में आज कर्मचारी इतने हैं कि पंचायतों की जो आय है वो सारी तनख्वाह में जा रही है। राजस्थान सरकार पैसा पंचायतों को रिलीज नहीं किया है, पिछले 3 साल में मिनिमम कई 5 लाख 7 लाख रिलीज किया है, भारत सरकार का लगभग एक एक पंचायत में 30 लाख पैसा आ गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, अनेक जो नई पंचायतें बनी है उनमें भवन नहीं है, ये सारी व्यवस्था करके आप पंचायत इसको पास करें, मेरे 2-3 सुझाव उसको माने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री नरेंद्र नागर। माननीय